श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवाई में विभाग से सेवानिवृत्त हुए नारायण सिंह चौहान की पार्टी में भाजपा पूर्व प्रत्याशी बलबीर सिंह चौहान ने शिरकत की। इस दौरान सेवानिवृत्त पार्टी में सभी अतिथियों का आदर सत्कार किया गया। इस बीच फैन ऑफ बलबीर सिंह चौहान फेसबुक आईडी चलाने पर क्षेत्र में नफरत की चिंगारी ने हवा पकड़ ली। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भाजपा पूर्व प्रत्याशी बलबीर सिंह चौहान के सेवानिवृत्त पार्टी में शिरकत करने पर किसी ने स्थानीय दो उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार लिखने पर एक तंज कस दिया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बलबीर सिंह चौहान का वहां पर स्वागत और अभिनंदन किया गया। जब स्थानीय भवाई भोज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बलबीर सिंह चौहान उनके आदर के योग्य नेता है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व आगामी 2022 के लिए जिसे टिकट देती है तो वे तन मन धन से पार्टी का सहयोग करेंगे। डॉक्टर बलदेव सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी गलत बयानबाजी ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है और प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में साथ ही केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा बेहतरीन कार्य कर रही है, इसीलिए सभी को एकत्र होकर 2022 की चुनावी जीत का लक्ष्य प्राप्त करना है। यहां पे अभी हमारे यहाँ पे वरिष्ठ गुरुजी श्री नारायण सिंह जी सेवानिवृत्त हुए, मैं उनके लिए ढेरों बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस मौके ये मौका हम बहुत ही खास रहा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेता श्री बलबीर चौहान जी पधारे और उन्होंने उनको जो है ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं दिया तथा यहाँ की जनता को का अभिवादन भी किया है। मैं एक खबर से काफी दुखी हूँ कि अभी जो खबर आई है कि यहाँ से दो लोग टिकटारती है और हम टिकटारते नहीं है। हमने पूर्व में एक मुलाकात की थी जिस मुलाकात में हमने ये निर्णय लिया था कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ हम सब दिल से काम करेंगे। अभी जो प्रदेश में चल रही सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी की और देश में चल रही सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वो पार्टी के लिए बहुत ही सुदृढ़ है और अच्छे से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि मिशन 2022 में हम लोग बिल्कुल कामयाब होंगे और हम एक होकर कार्य करेंगे। ये एक सिर्फ गुटबाजी को हवा देने वाली बात है कि यहाँ से दो लोग जो है टिकटारती, हम अभी तक टिकटारती नहीं है। हमें कोई किसी तरह की इस तरह का आदेश नहीं हुआ है और ना ही हम इस दौड़ में हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अभी भी हमारे वरिष्ठ नेता श्री बलबीर चौहान जी है, अगर किसी कारणवश उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाती है और किसी और को आदेश देती है, हम उसके साथ भी तन मन धन से कार्य करेंगे। और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि आप इस खबर को हवाबाजी ना दें। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल से काम कर रहे हैं और करेंगे।